4000 घंटे का वॉच टाइम, अगर एक साल के अंदर कंप्लीट नहीं हुआ तो आपका चैनल हो जाएगा डिसेबल्ड। ये दोस्तों आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा, लेकिन ये सच नहीं है, ये गलत है, ये एक अफवाह है। आप अपना 4000 घंटे का वॉच टाइम 10 साल में कंप्लीट करो या एक साल में कंप्लीट करो, उससे कोई मैटर नहीं होता, लेकिन इसका एक क्राइटेरिया होता है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और 99% लोगों को इसमें ही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो इसका प्रैक्टिकल है 4000 घंटे का वॉच टाइम काउंट कैसे करते हैं, 365 डेज को काउंट आखिर में किया कैसे जाता है, आज की वीडियो में मैं सरल भाषा में पूरी गणित आपको बता दूंगा। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि आपको ये पूरा का पूरा मैटर समझ में आ जाएगा, बाद में आपको कोई भी टेंशन नहीं रहेगी और कभी भी ये सवाल आपके दिमाग में नहीं आएगा, इसका मैं आपको विश्वास देता हूं। बस वीडियो को पूरा देखना और समझने की कोशिश करना कि 365 डेज आखिर में काउंट होते कैसे हैं। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके सिखा देता हूं। दोस्तों मैं अपनी डायरी पर आ चुका हूं, अब मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या सीखने की जरूरत है। सबसे पहले तो भाई मैं यहां लिख देता हूं 365 डेज, क्योंकि यही तो मेन है, इसी को तो हमें समझना है। अब मान लो कि अजय नाम का एक लड़का है, अजय ने जनवरी 2015 में एक YouTube चैनल स्टार्ट की, ठीक है, और 10 वीडियो अजय ने डाल दिए, और उन 10 वीडियो में से अजय के 2 वीडियो वायरल हो गए, और उन 2 वीडियो से अजय को पूरा 2000 घंटे का वॉच टाइम मिल गया। ध्यान से समझना, लेकिन बीच में पता नहीं अजय को क्या हो गया, अजय का मूड खराब हो गया, अजय डीमोटिवेट हो गया, तो अजय ने अपने YouTube चैनल को 2015 में ड्रॉप कर दिया, यानी छोड़ दिया। लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद अजय को ये लगता है, अजय ने किसी की वीडियो देख ली, मोटिवेट हो गया, अब अजय को लगता है कि मुझे फिर से काम करना है और मुझे यूट्यूब पे अपना करियर बनाना है। तो अजय ने जनवरी 2017 को फिर से YouTube चैनल पर काम करना स्टार्ट कर दिया, और 10 वीडियो अजय ने अपलोड कर दी, और 10 वीडियो में से 3 वीडियो अजय के कोई भी वायरल चले गए, और उन 3 वीडियो से अजय को टोटल फिर से 2000 घंटे का वॉच टाइम और मिल गया। अब अजय यहां पर क्या सोचेगा कि मुझे 2017 में भी 2000 घंटे का वॉच टाइम मिल चुका है और 2015 में भी मुझे मिल चुका है, तो मेरा यहां टोटल कितना घंटा हो रहा है, 4000 घंटे का वॉच टाइम हो रहा है। तो अब अजय सोचेगा कि मैं यहां पर अब क्या करूंगा, अप्लाई कर दूंगा, अगर मैं अप्लाई कर देता हूं तो मेरा मोनेटाइजेशन यहां इनेबल हो जाएगा। लेकिन नहीं दोस्तों, आपका मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने 2015 में 2000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट किया था, उसके बाद आपने यूट्यूब चैनल ड्रॉप करके 2017 में स्टार्ट कर आपने फिर से 2000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट किया, तो आपका यहां पर 4000 घंटे काउंट नहीं होगा, ओनली 2000 घंटे ही काउंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर YouTube बताता है कि 365 डेज के आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम काउंट किया जाता है। अगर मान लो जनवरी 2017 में अगर आपके चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होता है, तो 2017 से लेकर 2016 तक का आपका 365 दिन का वॉच टाइम काउंट किया जाएगा, और 2015 के ऊपर जितना भी वॉच टाइम होगा, 15, 14, 13, 12, आपने कितना भी वॉच टाइम काउंट किया होगा, तो वो आपका वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। यही मैटर यहां पर है कि 2015 में अजय ने यूट्यूब चैनल स्टार्ट की और 2000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट किया, बीच में यूट्यूब चैनल को छोड़ दिया, 2017 में आया। अब 2017 में आने के बाद अजय ने 2000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करके अगर ये सोचता है कि मैं 2015 का भी वॉच टाइम काउंट करूंगा, तो वो आपका काउंट नहीं होगा, आपका ओनली 2000 ही घंटा काउंट होगा। अगर आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम अगर कंप्लीट हो जाता है 2017 में, तो आपको यहां से टोटल 2017 का और 2016 से आपका वॉच टाइम काउंट होता है, लेकिन 2016 का ऊपर का जितना भी आपका वॉच टाइम होगा, 15 का, 14 का, 12 का, 11 का, आपका कोई भी वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। यही एक मैटर होता है जो आपको समझने की जरूरत है। दोस्तों मैंने आपको पूरी तरीके से सरल भाषा में समझा दिया है, अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक बार और देख लेना, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। दोस्तों जो भी मैंने आपको समझाया, इसको मैंने बहुत सरल भाषा में समझाया है कि ताकि आप समझ सको और आपको पता चल जाए कि 365 डेज आखिर में काउंट कैसे करते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये पूरी की पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी, और 4000 घंटे का वॉच टाइम काउंट कैसे होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, और मेरी मेहनत के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, और कमेंट में जरूर एक कमेंट करना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो कमेंट करो, जिस समय आपको कमेंट में जवाब दूंगा कि आपको कहां पर पता नहीं चला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।